भयंकर ठंड में अगर गोभी का मंचूरियन बनाया जाए तो फिर बात ही क्या है। तो झटपट से आप इस तरीके से गोभी मंचूरियन बना सकते हैं, जो बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम समय में बनके तैयार होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ी सी नमक डाल देंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। इसे ज़्यादा उबालना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए बस उतना ही हमें उबालना है। इसे क्या होगा, जिस समय हम इसे तलेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इसे हमें बॉईल कर लेना है। पर ध्यान रखिए कि ज़्यादा इसे नहीं गलाना है। तो अब ये हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मैदा लेंगे, 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसे अच्छा सा इसका हम घोल तैयार कर लेंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा रेड फूड कलर आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, तो इसीलिए अगर आपको मन है तो आप फूड कलर डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऑयल गर्म करेंगे और ऑयल जो है सो ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है। अब हम इसमें गोभी को डिप कर देंगे और इसका जो घोल हम तैयार करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा गर्म नहीं है, इतने ही गर्म है, जो हल्का सा बबल्स आ रहे हैं तो बस उतना ही हम गर्म रखेंगे। इससे क्या होगा, जो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अगर आप एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी हो तो जाएगा पर चिपचिपी सी रहेगा। और जब भी हम ड्राई मंचूरियन बनाते हैं तो इसमें क्रिस्पीनेस रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारा मंचूरियन क्रिस्पी रहता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये एक बैच हो गया है, दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और जब भी हम बैटर बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैदा और ये कॉर्नफ्लावर का जो घोल बनाएंगे तो उसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रख देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कोटिंग तो आएगी पर मोटी वाली लेयर चढ़ जाएगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जिस एक स्टेप बाय स्टेप आप देखिए और उसे फॉलो करिए तो आपका ड्राई गोभी मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनेगा। और ये बनके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, पैन में तेल गरम करेंगे, कटी हुई मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। जितना आपको तीखा चटपटा पसंद हो मिर्च आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 हरी मिर्ची डाला है, 4-5 कलियां लहसुन की डाला है और इसे हल्का सा ब्राउन होने पर 2 बारीक कटा हुआ प्याज डाला मैंने। और इसे हल्का सा ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए तो आपका गोभी मंचूरियन बहुत ही अच्छा बनेगा। और फ्लेम को अभी हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, सारे सॉसेज इसमें डाल देंगे। अभी मैंने सोया सॉस डाला, 1 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच हम विनेगर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और 1 चम्मच हम केचप डालेंगे। जब भी आप मंचूरियन बनाएं तो सोया सॉस का अगर आप जो डालते हैं उसका क्वांटिटी अगर आप ठीक से रखिएगा तो आपके मंचूरियन बहुत ही अच्छे बनेंगे। कम या ज़्यादा होने से इसके स्वाद जो है सो बिगड़ जाते हैं। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसे हम भूनेंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। मैंने चिली सॉस नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाता। और इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे 5 से 10 मिनट के लिए।
और ये हो गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें तो ड्राई बनाना है, ग्रेवी तो डालनी नहीं है, तो इसमें पानी हम बहुत ही थोड़ा डालेंगे। और इसमें हम मंचूरियन गोभी डाल देंगे। और गोभी डाल के इससे इस टाइम पे हम क्या करेंगे ना, जो गैस को बंद कर देंगे और बंद गैस पे ही हम गोभी को डाल देंगे और डाल के अच्छे से हम मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इससे क्या हो जाएगा, ये क्रिस्पी रहेगा। अगर आप गैस बंद नहीं करेंगे और ऐसे डाल देंगे तो इसका क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं रहेगा। तो हम इसे बंद करके डालेंगे। मंचूरियन बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।